राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू होने के विरोध में आईएमए के आह्वान पर प्रदेश भर में आज निजी क्षेत्र के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जिसका व्यापक असर अंबाला कैंट में देखने को मिला। शहर के प्राइवेट अस्पताल बंद रहे तो वहीं कुछ जगहों पर डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर लोगों का इलाज किया। डॉक्टरों का कहना था कि इस कानून से डॉक्टर्स के साथ साथ पेशेंट्स को भी काफी नुकसान होगा। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल एक विधानसभा में पास किया है, अभी लागू नहीं हुआ है, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है कि पब्लिक के लिए कि भी उनको वो कर दिया है, चालू कर दिया, तो उसका एक गलत तरीके से इस्तेमाल करके वो डॉक्टर के ऊपर थोपा गया, इसलिए हमने ये कॉल की है। वो है क्या बिल, ये है कि वो कहते हैं कि भाई अगर एक एमरजेंसी आती है आपके पास, उसको आप उसको फ्री देखो, और फ्री देखने के बाद अगर आपकी स्पेशलिटी नहीं है तो वो उसको आप किसी दूसरे जो अलाइड उसका हॉस्पिटल है उसके पास भेजिए, आप उनको उसके लिए आप एम्बुलेंस करके देंगे अपने खर्चे पे और उसके लेके जाएंगे आप वहाँ हॉस्पिटल में, हाउ इट इज़ पॉसिबल। डॉक्टरों की हड़ताल का असर कुरुक्षेत्र में भी देखने को मिला। डॉक्टरों का कहना है कि राजस्थान सरकार की ओर से पारित किया गया राइट टू हेल्थ बिल सरकार चुनाव से पहले डॉक्टरों पर थोप रही है और जनता से वाहवाही लेना चाह रही है। अपना रोष प्रदर्शन जारी रखते हुए डॉक्टरों ने अपनी तमाम सेवाएं बंद कर दी और सांकेतिक धरने पर बैठ गए। और कारण यह है कि राजस्थान सरकार ने राइट टू हेल्थ करके एक बिल पास किया है और उस बिल के विरोध में आज 17-18 दिन से राजस्थान के सभी प्राइवेट संस्थान जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, लेबोरेटरीज हैं, वो सारे के सारे राजस्थान में आज 17 दिनों से डॉक्टर्स जो हैं वो सड़कों पे हैं इसके विरोध में, और सरकार सुन नहीं रही है, तो इसलिए हम उनके समर्थन में, राजस्थान के डॉक्टर्स के समर्थन और इस बिल के विरोध में आज पूरे दिन काम नहीं करेंगे। वहीं राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल पास होने का असर रेवाड़ी में भी देखने को मिला। रेवाड़ी जिले से बस में सवार होकर डॉक्टर जयपुर के लिए रवाना हुए, जहां राजस्थान के डॉक्टरों को अपना समर्थन देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। रेवाड़ी में भी निजी अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बाधित रहीं। आज हमने आईएमए के पूरे सदस्यों ने मिलकर एक पद से ये सहमति करी है कि आज हम पूरा स्ट्राइक रखेंगे। पूरा शटडाउन है, प्राइवेट डॉक्टर्स ने सबने अपना ओपीडी इमरजेंसी सारी सर्विसेज आज बंद रखी है राजस्थान के डॉक्टर्स के साथ समर्थन, उनका समर्थन करने के लिए। और अभी हम अपनी स्ट्रेंथ वहाँ दिखाने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं, सब लोग मिलके जयपुर जा रहे हैं। तो रेवाड़ी से कितनी संख्या में जो है डॉक्टर जा रहे हैं? अराउंड 30-35 डॉक्टर्स जा रहे हैं यहाँ से। सोनीपत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भी सभी निजी चिकित्सक हड़ताल पर रहे और सुबह से लेकर शाम तक अपने अस्पतालों की सभी प्रकार की सेवाएं बंद रखी। आईएमए सोनीपत के प्रधान डॉक्टर सीपी शर्मा का कहना है कि राजस्थान सरकार ने चिकित्सकों के खिलाफ असंवैधानिक आरटीएच बिल 2023 पारित कर दिया है, अगर सरकार इस बिल में संशोधन नहीं करती तो आगे भी उनका विरोध जारी रहेगा। आज जो है ना स्टेट आईएमए के आह्वान पे एक दिन का पूर्ण मेडिकल बंद किया गया है जो पूरे हरियाणा में है। सोनीपत आईएमए में उसका समर्थन करती है। ये राजस्थान में जो राइट टू हेल्थ बिल विधानसभा में पास हुआ है उसके अगेंस्ट है। राजस्थान के डॉक्टर पिछले 15 दिन से सड़कों पे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सिरसा में भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही सभी निजी अस्पताल बंद रहे और ओपीडी के साथ ही इमरजेंसी सेवाएं भी बंद रही। डॉक्टरों की हड़ताल के समर्थन में राजस्थान के लिए 30 डॉक्टरों का एक दल रवाना हुआ। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आज पूरा हरियाणा, मैं सिरसा की अकेले की बात नहीं कर रहा, पूरा हरियाणा मतलब पूरी तरह से इस राइट टू हेल्थ बिल जो राजस्थान सरकार लेके आई है इसे बेहद दुखी है। ये ना तो पब्लिक के भले में है और ना ये डॉक्टरों के भले के लिए है, ये केवल और केवल जुमलेबाजी के लिए आया हुआ एक बिल है कि ये स्टेज पर खड़े होकर के पॉलिटिशियन ये कह सके वो राजनीतिक कि भी आप किसी अस्पताल में जाओ आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलेंगे, कोई आपको मना नहीं करेगा, अगर मना करेगा तो हम देखेंगे। अब ये कोई डॉक्टरों को प्रताड़ित कर करे आप जनता को खुश कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। यमुनानगर में भी कमोबेश हालात ऐसे ही रहे। निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे और राजस्थान सरकार के इस बिल का विरोध जताया। कि हम जो है इलाज में किसी हर पर जो भी पेशेंट कभी भी आता है किसी भी स्पेशलिटी में, हम उससे इलाज में पैसे नहीं ले सकते और फ्री में इलाज करना पड़ेगा।
मैं ज़रूर मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव है कि हमें इलाज करना है, कोई इमरजेंसी कोई ट्रॉमा का केस आता है, ये सब लोग डॉक्टर करते हैं इंसानियत के तौर पे हम लोग करते हैं और अच्छी तरह उसका इलाज करते हैं बिना कभी किसी से पैसे लिए हुए। बट ये कहना कि एक रूल बना रहे हैं कि अपने सारे ही पेशेंट्स का इलाज किसी भी वक्त यदि किसी ने पेशेंट वर्ड ने यूज़ कर लिया कि ये इमरजेंसी है तो हमने उसका इलाज मुफ्त में करना है, वो ये नाइंसाफ है। बहरहाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कॉल पर हरियाणा भर के निजी अस्पतालों के डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर प्रदेश भर में देखने को मिला। देखना होगा कि ये हड़ताल आगे भी बढ़ती है या फिर इसका समाधान निकल पाता है, क्योंकि इस हड़ताल और हंगामे से अंततः नुकसान आम जन को हो रहा है। सूर्या समाचार के लिए अम्बाला से नरेश सैनी, कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, रेवाड़ी से नवीन शर्मा, सोनीपत से सनी मलिक, सिरसा से नकुल जसूजा और यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट।